press the bell icon for all the updates. हाय फ्रेंड्स, सो नेहा आज ईद के मौके पर आज है एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ जो बेहद खूबसूरत है और पूरी बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पे खड़ी है, जिनके घर पे हम स्पेशली टेली मसाला आया है उनके साथ ईद सेलिब्रेट करने। तो जानना चाहेंगे कौन सी एक्ट्रेस है, चलिए आइए और देखते हैं। ये सारा खान यहाँ पर मेरे साथ है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ये हर बार ऐसा हुआ है कि टेली मसाला हमेशा सारा से मिला है और उनके साथ ईद सेलिब्रेट किया है। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। ओके सारा, क्या स्पेशली बना है, क्योंकि आज तो बहुत अच्छे से पूरी तैयारी हुई है। ईद का त्यौहार जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है शीर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने लगा के रखी हुई है शीर, जो कि मम्मी ने सुबह से उठ के बहुत मेहनत के साथ बनाई है। और बाकी सब चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली जो आपके फ्रेंड्स को पसंद हो आप उनकी अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी दही बड़े हैं जो कि अभी जैसे ही मेहमान आने शुरू होंगे तो यहाँ पे डेकोरेट हो जाएंगे अच्छे से। और चिकन दम बिरयानी, ऑल माय फ्रेंड्स दे लव इट, सो वो रखा हुआ है। प्लस गुलाब जामुन, कौन रुक सकता है, माउथ वाटरिंग राइट। इसीलिए जो है ये सब कुछ रखवाया है। और ईद है तो ईद तो स्पेशल होनी चाहिए, तो हमने पूरा घर जो आयरा का सब सोचना था कि हमें फ्लावर्स से डेकोरेट करना चाहिए पूरा घर। तो मैंने कहा वाइट इज़ द बेस्ट विच गिव्स पीस, तो मैंने कहा वाइट से डेकोरेट करते थे, ये पूरा वाइट डेकोरेशन हो गया है। सो इस तरह बना रहे हैं हम। अच्छा सारा, जब भी हम ईद आपके साथ सेलिब्रेट करते टेली मसाला जब भी आता, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर होती है, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे मिलाइए और हमसे जरूर बताइए। डेफिनेटली मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। वैसे अंदर सब कचरा हो रखा है, बट योर लुक एट दिस, दिस इज आयरा द रेड हेयर गर्ल, यू कैन सी। तो ईद के लिए हमने क्या स्पेशल किया, आयरा के लाल बाल। सो आई एम अ कूल गर्ल इज एक्चुअली रेड राइट नाउ, आई एम अ रेड गर्ल। नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, वी विश एवरीबॉडी ईद, ईद मुबारक। अले शी इज सो क्यूट। ओके देन यहाँ पे हमारे बहुत खास खास लोग हैं, जैसे कि हमारे डैडी, हमारी ब्यूटीफुल राखी सावंत, मम्मा एंड सिस्टर्स गेटिंग रेडी। सो आप देख सकते हैं राखी कितनी ब्यूटीफुली तैयार हुई है, सारा से ज्यादा नहीं। नहीं रियली आई लव द वे द मोमेंट शी केम, मुझे लगा हाय मैं ही नहीं हूँ जो अच्छे से तैयार हुई हूँ। और मुझे कंपनी देने के लिए राखी केम विद सच ब्यूटीफुल अवतार। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो हमेशा आती हूँ तुम्हारे किसी भी फेस्टिवल में है, और मुझे अच्छा लगता है कि ईद मनाना, बिकॉज सारा भी दिवाली और सारे फेस्टिवल मनाती है, तो हमें मुझे अच्छा लगता है ईद मनाऊँ सारा के साथ में। उनका बर्थडे भी मनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। एंड शी हैज़ बीन ऑलवेज देयर। ईद के दिन आप अपने प्यारों के साथ, अपने लोगों के साथ ईद मनाते हैं, तो हमेशा याद रहता है पूरे साल। और हर साल ऐसा हुआ है कि मेरे साथ माय वेल विशर राखी इज ऑलवेज ऑलवेज, शी इज अ बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ह्यूमन बीइंग और बहुत अच्छी दोस्त है। सेम बिल्डिंग भी है और सेम बिल्डिंग में है, तो मिलना तो रेगुलर लगा ही रहता है। एब्सोल्युटली। ईद से मैं हटके अगर बात करूं तो कितना आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सेम बिल्डिंग है। जब भी हम लोगों को वक्त मिलता है वी एक्चुअली बम्प इन, हम एक दूसरे से इतना ज्यादा नीचे मिल जाते हैं कभी भी। ऑलवेज शूटिंग, हम भी शूटिंग करते हैं, लेकिन वक्त मिलता है तो फिर चैटिंग करते हैं, घर में आते हैं, खेलते हैं, इतने सारे टेडी बियर्स हैं। अच्छा ईद की बात करूं तो क्या मिला है सारा। सी ईदी पे तो ऐसे होते हैं, सबसे पहले आशीर्वाद चाहिए होता है जो कि अपने बड़ों का मिल गया है सबसे पहले। तो अभी ईदी पे खिलाने और खाने का वो आ गया है। अभी मैं बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे देनी पड़ेगी सारी बहनों को, प्लीज जस्ट बनता है। सो इसके लिए तो अब हम खाने पीने की बात करेंगे, बहुत सारा खाएंगे, जैसे कि शीर आपको खिलाई, बहुत अच्छा बिरयानी है, शीर कुरमा है, और बहुत सारी आइटम्स जो ईद में खाना होता है लजीज। मुंह में पानी आ रहा है मुझे। तो मैं अभी खाने वाली हूँ और बताओ ना वो वहाँ पे जाके पूरा सब दिखाया, दिखा दिया। राखी के साथ आप जाए, और राखी कुछ स्पेशली आज आपको स्पेशली ईद के दिन पे आपको कुछ खिलाए। नहीं खिला दिया, बहुत खा लिया, ऐसे मत किया करो, ये डाइट पे है, पूरे डाइट पे है। आज के दिन मुझे तो मेरी बात, खाने खिलाने वाली बात नहीं कर रही, मैंने सबको मना किया हुआ है, मैंने दिखा दिया। हां टोटली डाइट, डाइट 30 पीपल आर कमिंग, आई एम कांट ईट लाइक एवरी टाइम, यू कांट ईट।
अभी हम सब बैठने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं, कुछ किस्से शेयर करने वाले हैं और ईद के ऑब्वियसली पुराने जितने भी हमने साल अभी तक मनाए हैं ईद वो सब डिस्कस करेंगे। इस बार क्या स्पेशल करना है वो डिसाइड और मम्मी डैडी से, सारा के मम्मी डैडी से मिले बहुत अच्छे हैं और कुछ कुरान की कुछ चीज़ें वो हमें बताने वाले हैं जो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट हमें थोड़ा नॉलेज देंगे। या ऑफकोर्स जरूरी है ना, अच्छा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आउटफिट की बात करूँ तो सारा आप हमेशा एक आउटफिट सिले, लास्ट टाइम हमने साथ में आउटफिट सिलेक्ट किया था, इस बार अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो ब्लैक आपने चुना है, ब्लैक पीस व्हाइट था तो मैंने सोचा उसमें थोड़ा ज्यादा दिखूं तो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है तो फ्लावर्स वहाँ व्हाइट हैं तो मैंने सोचा ब्लैक पहन लेती हूँ। शरारा बहुत अच्छी लगती है, शरारा शरारा। यस, तीनों बहनें भी ब्लैक हैं, एक ही बहन है जो कि दूसरे कलर में है, बाकी जो बाल बना रही है अभी पिछले चार घंटे से उनके बाल ही क्रिम हुए जा रहे हैं, बाकी यमन इज रेडी, आई एम रेडी, आयरा सुपर रेडी एंड बस। और राखी अगर मैं आगे राखी तो इन्होंने ब्लैक पहना है तो मैंने व्हाइट गोल्ड पहना है पूरा, है ना, कॉम्बिनेशन इट्स लुकिंग सो, लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आई लव द झुमकास, वाओ। बट आज आपका डे है, ईद तो सारी मुझ पे ही आ गई है पूरी ईद। अच्छा इंटरेस्टिंग बात करूं तो सर पर कुछ आपने लगाया है जी, ये कुछ था नया जो मैंने सोचा आज लगाती हूं, हर ईद पे कुछ ना कुछ सोचती हूँ नया करने का, तो इस पे ये कर लिया बस, अभी ज़्यादा सोचा नहीं। अच्छा सारा, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि ये ईद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी नए वेंचर्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ लेकर आए और आप भी सारी नेगेटिविटीज़ को भूल के पॉजिटिव हो जाइए, स्टार्ट अप विद अ फ्रेश न्यू लाइफ एंड अ वेरी हैप्पी ईद। हैप्पी ईद टू एवरीवन, जाके रेस्त्री ज़रूर देखिए एंड बिल्कुल सारा ने कहा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंसान हो जाता तो सब कुछ मिल जाता है। राइट।